जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक जो 28 और 29 जून 2022 को चंडीगढ़ में हुई सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव से संबंधित थी। महत्वपूर्ण अपडेट। 47वीं जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित सभी दरों में बदलाव 18 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। 1. फोरमैन द्वारा चिटफंड को आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। जीएसटी दर 12% से 18% में परिवर्तन। 2. खाल और चमड़े के प्रसंस्करण के संबंध में कार्य। जीएसटी दर 5% से 12% में परिवर्तन। 3. ठेके का काम, चमड़े के सामान और जूतों के निर्माण के संबंध में। जीएसटी दर 5% से 12% में परिवर्तन। 4. ठेके का काम, मिट्टी की ईंटों के निर्माण के संबंध में। जीएसटी दर 5% से 12% में परिवर्तन। 5. सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, शमशान आदि के लिए कार्य अनुबंध। जीएसटी दर 12% से 18% में परिवर्तन। 6. केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए संयंत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि और उसके उपठेकेदारों के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध। जीएसटी दर 12% से 18% में परिवर्तन। 7. केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्राधिकरणों को मुख्य रूप से मिट्टी के काम और उसके उप अनुबंधों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध। जीएसटी दर 5% से 12% में परिवर्तन। 8. रोपवे द्वारा माल और यात्रियों का परिवहन, सेवाओं के ITC के साथ जीएसटी दर 18% से 5% तक बदल गई। 9. ट्रक या माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है, जीएसटी दर 18% से 12% में परिवर्तन। 10. पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से आने जाने वाले यात्रियों के परिवहन पर छूट इकोनॉमी क्लास तक सीमित की जा रही है। 11. निम्नलिखित सेवाओं पर छूट वापस ली जा रही है। 1. रेलवे उपकरण और सामग्री के रेल या जहाज द्वारा परिवहन। 2. वस्तुओं का भंडारण या भंडारण जो कर नट, मसाले, खोपरा, गुड़, कपास आदि को आकर्षित करते हैं। 3. कृषि उपज के गोदाम में धूमन। DRBI, IRDA, SEBI, FSSAI द्वारा सेवाएं। E. GSTN. F. व्यावसायिक संस्थाओं, पंजीकृत व्यक्तियों को आवासीय आवास किराए पर देना। 6. गर्भनाल रक्त बैंकों द्वारा सटेम कोशिकाओं के संरक्षण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं। 12. CETP की तरह बायोमेडिकल कचरे के उपचार या निपटान के लिए सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं पर 12% कर लगाया जाएगा ताकि उन्हें ITC की अनुमति मिल सके। 13. प्रतिदिन 1,000 रुपये तक की कीमत वाले होटल आवास पर 12% कर लगाया जाएगा। 14. ₹5,000 कमरे का किराया ICU को छोड़कर प्रति मरीज प्रतिदिन से अधिक एक अस्पताल द्वारा वसूला जाता है। बिना ITC के कमरे के लिए 5% की दर से प्रभारित राशि की सीमा तक कर लगाया जाएगा। 15. कला या संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग पर कर छूट ऐसी सेवाओं तक सीमित है जब किसी व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की जाती है।